يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج کے اس دور میں ہر شخص کثرت کا متلاشی ہے، مال میں کثرت، کاروبار میں کثرت، اولاد میں کثرت، الغرض ہر چیز میں زیادہ حاصل ہو جائے، اس میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کثرت کو انسان کی ہلاکت کا سبب بتایا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا۔ اسی غفلت میں ہر عام اور خاص مبتلا ہے، حالانکہ جو چیز ہمیں حاصل ہو، جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان امور میں جو ہمارے لیے نافع ہیں، مفید ہیں، ان میں برکت عطا فرما دے۔ تو انسان اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی اسے برکت دے، اس کی صحت میں،
उसके माल में, उसके अमल में और उसके इल्म में, उसकी औलाद में, उसकी दुनिया में और उसकी आखिरत में, कि अल्लाह ताला उसको बरकत दे। ये बरकत अगर हासिल हो जाए तो फिर जो थोड़ी चीज होगी वो ज्यादा हो जाती है, और जो ज्यादा चीज हो तो वो खैर और भलाई का मूजिब बन जाती है। लेकिन अगर ये बरकत ना हो तो फिर कितना ही माल हासिल हो जाए, औलाद हासिल हो जाए, तो फिर वो चीज इंसान के लिए वबाल बन जाती है। इंसान की हिर्स खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लौ कान लिबन आदम वादियान मिन ज़हबिन लबतगा सालिसन, कि किसी शख्स को अगर सोने की दो वादियां मिल जाएं तो उसकी हिर्स खत्म नहीं होगी। वादी दो पहाड़ों के बीच में खाली जगह को कहा जाता है। इतना माल, ऐसी दो वादियां भर उसके पास हो लेकिन उसकी हिर्स खत्म नहीं होगी। लबतगा सालिसन, वो तीसरी की तमन्ना करेगा कि काश एक तीसरी वादी भी मुझे मिल जाए। बरकत क्या है, बरकत किसे कहते हैं और उसकी अहमियत क्या है और उसके असबाब कौन से हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बरकत हासिल कर सकते हैं। आज के इस खुतबे जुमा में इसके मुतालिक कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि बरकत क्या है। इमाम रागिब अस्फहानी रहमहुल्लाह, उनकी किताब है अल मुफरदात फी अल्फाज़िल कुरान, उसके अंदर बरकत की तारीफ ये फरमाते हैं कि कसरतु खैर इलाही फी शै व सबूतु, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी चीज में खैर और भलाई ज्यादा हो जाए और वो वहां ठहर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी चीज में एक तो खैर आ जाए, ज्यादा हो और वो वहां पर ठहर जाए, बाकी रहे, ये बरकत है। अब ये बरकत अगर हासिल हो जाए तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि कितना उसके पास है, क्योंकि अल्लाह ने उसको जो कुछ दे रखा है वो उसके लिए काफी है, उसमें उसके लिए किफायत है, उसकी बरकत को वो खुद महसूस करता है। ये चीज हासिल हो जाए और बिजाहिर देखने वाला ये देखता है कि इसकी आमदनी तो बड़ी कम है, इसके पास वसाइल तो कम है, लेकिन अल्लाह ने उनको जो दे रखा है उसमें इस कदर खैर होता है, भलाई होती है, बरकत होती है कि वो उसमें राजी हो जाता है, खुश हो जाता है, उसकी भलाई को वो खुद महसूस करता है। और यही वजह है कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो आपकी पाकीजा सुहबत के वारिस बने, ये अल्लाह ने उनको शरफ दिया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक था। आप की सीरत सूरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से वो अक्सीर बने,
अल्लाह ने ये चीजें उनको नसीब फरमाई। चुनाचे उनकी जिंदगियों में हमें बरकत बहुत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि बरकत के असबाब उन्होंने अपना रखे थे, तो अल्लाह ने उनकी जिंदगियों में बरकत दे दी। आप देखें कि दुनियावी एतबार से किस कदर तंगियां थी, परेशानियां थी, लेकिन उनकी जिंदगी में जो इत्मीनान था, जो सुकून था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको दे रखा था उस पर वो कितने राजी थे, और वो चीज किस कदर उनके लिए बरकत और खैर और भलाई का बायस थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये वाकया मौजूद है। फरमाते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ मेहमान आए और उनको घर में छोड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। शाम हो गई, जब आए तो रात हो चुकी थी, और जब घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी उम्मे रूमान रजी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा मुहतरमा, उन्होंने उनसे कहा कि आप मेहमानों को छोड़ के इतना वक्त कहां चले गए। तो उन्होंने पूछा कि आपने मेहमानों को रात का खाना खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो उनको खाना खिलाना चाहा, पेश भी किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आएंगे तो हम उनके साथ ही खाना खाएंगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु काफी नाराज हुए घर वालों पर कि मेहमानों को खाना नहीं खिलाया, और उन्होंने कसम खाई कि मैं आज की रात खाना खाऊंगा। और सैयदना अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि वालिदे मोहतरम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा देकर मैं तो एक तरफ चला गया। जब उनकी बीवी ने यह बात सुनी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने भी कसम खा ली कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगे। मेहमानों ने जब यह सुना तो उन्होंने भी कसम खा ली कि हम उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे। अब यह माहौल बन गया। सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह सुना तो फरमाने लगे कि ये शैतान की तरफ से गुस्सा है, और फिर उन्होंने खाना खाया। अब जो बात बताना मकसद है वो ये है कि खाना जब पेश किया जाने लगा तो सबने देखा कि खाने में बरकत नजर आ रही है, हत्ता के एक लुकमा जो छोटा होता वो बड़ा हो रहा था, और जो खाना मौजूद था तो वो भी मजीद उसमें इजाफा हो रहा था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यह देखा तो अपनी बीवी से कहा कि या उख्त बनी फिरास मा हादा, बनू फिरास कबीले से उनका ताल्लुक था उम्मे रूमान रजी अल्लाह अन्हा का, कहने लगे कि बनू फिरास की बहन ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक बात यह है कि हम जितना खाना निकाल रहे हैं उससे ज्यादा ये खाना हो रहा है, अब जो हमने बनाया था उससे ज्यादा ये खाना हमारे पास मौजूद है। और फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने वो खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी पेश किया, आपने भी तनावुल फरमाया। अब इस वाक्य पर जरा गौर करें कि ये देखें, ये बरकत जाहरी तौर पर नजर आ रही थी, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ये खुद भी बाबरकत थे और उनका घराना भी बाबरकत था। यही वजह है कि जब तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ तो उस वक्त क्या कहा था, बाज सहाबा ने ये जुमला कहा कि मा हिया बिअव्वल बरकतिकुम या आल अबी बकर, के ए आल अबू बकर, ये तयम्मुम का जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया
पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ने आसानी की, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है बल्कि ये एक सिलसिला है जो अल्लाह ने रखा हुआ है तुम्हारे अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, ये भी सही बुखारी की रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो मेरे ताकचे में जहां खाना वगैरह रखा जाता था, फरमाती हैं कि चंद जो रखी थी जिनको कोई जी रूह खा सकता था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई तो घर में कुछ भी नहीं था, चंद जो थी जो फरमाती हैं कि जो जी रूह खा सकता था इसके अलावा कुछ नहीं था। फरमाती हैं कि मैं जरूरत के मुताबिक वहां से वो जो ले लेती, निकाल लेती और हत्ता के उसमें इतनी बरकत थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको खोल के देखती हूं अंदर से कि ये कितने जो हैं इसके अंदर, खत्म ही नहीं हो रहे थे, इतना अंदाजा भी नहीं था। फरमाती हैं कि जब मैंने उसको निकाला, उसको नापा तो वो खत्म हो गई, फिर उनके अंदर जो बरकत थी वो खत्म हो गई। तो घर के अंदर अल्लाह ने जो चीजें रखी हैं, तो अगर बरकत के असबाब घर में मौजूद हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से चीजों में बरकत आती है। जो इंसान उनको गिनता है, बार बार देखता है, तो इससे उनकी बरकत खत्म हो जाती है। और यहां ये बात भी जिक्र करूं कि घर में बरकत उसका सबब क्या है, उसके असबाब दो चीजें शरीयत ने हमें बताई हैं कि दो उमूर आप उनको इख्तियार करें, घर के तमाम अफराद उसका इल्तजाम करें, मर्द औरत छोटा बड़ा, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी तालीम दी जाए, उनको सिखाया जाए। ये दो उमूर इख्तियार करने से घर में बरकत पैदा होती है। पहली चीज क्या है कि जब आप घर में दाखिल हो, दरवाजा खोलें तो बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद करें, बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद कर। क्यों? इसलिए कि हदीस में यह चीज मौजूद है कि जिस चीज को अल्लाह का नाम लेकर बंद किया जाए, शैतान उस चीज को नहीं खोलता, उस चीज को शैतान नहीं खोलता। और दूसरा काम यह करना है कि घर में दाखिल होने के बाद अपने घर वालों पर सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सलाम करें। तो सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत की थी, जामे तिर्मिजी की रिवायत है कि फरमाया कि ए बेटे जब आप घर में दाखिल हों, फसल्लिम अला अहलीकुम, तो अपने अहल पर घर वालों पर सलाम करो, फतकूनु बरकतन लक व अला अहले बैतिका, आपका यह सलाम करना आपके लिए भी बरकत का सबब बनेगा और आपके घर वालों के लिए भी बरकत का सबब बनेगा। ये दो चीजें, अगर इस तरह नहीं किया जाता, आप जानते हैं मारूफ हदीस है कि शैतान इंसान के साथ होता है, जब वो घर में दाखिल होता है अल्लाह का नाम नहीं लेता तो फिर शैतान और उसके जो मददगार उसके साथ होते हैं उनको क्या कहता है, कहता है अदरक तुमुल मबीत, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई, ये घर तुम्हारे लिए मौजूद है जहां अल्लाह का नाम जिक्र नहीं हुआ है, अब आप रात यहां गुजार सकते हैं। कहा जब वो खाना खाते हैं, खाने में अल्लाह का नाम नहीं लेते, फिर शैतान कहता है कि अदरक तुमुल मबीत वल अशा, तुम्हें रात गुजारने का ठिकाना भी मिल गया और रात का खाना भी मिल गया। तो ये दो काम करें, हमारे घर में बरकत नाजिल होगी। और सब करें, बच्चों की तरबियत की जाए, बड़े उनकी तरबियत करें, खुद इस तरह करें कि घर में जब दाखिल हूं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हूं और दरवाजा बंद करें, और दूसरा घर वालों पर सलाम करें। तो ये बरकत के असबाब में से एक सबब है। आज घरों में बरकत नहीं है, बड़ी शिकायत है, तंगी है,
हम देखें कि हम इन इस्लामी आदाब से किस कदर दूर हैं, किस कदर दूर हैं। अब चंद बरकत के असबाब जो कुरान और सुन्नत से हमें मालूम होते हैं उनका मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहली चीज जिसको कुरान करीम ने बरकत का सबब बताया है वो तकवा है। वो तकवा, परहेजगारी। तकवा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर अमल करना और अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका है उस चीज से रुक जाना, फराइज को पूरा करना और जो मुहर्रमात हैं, हराम चीजें हैं, उनसे रुक जाना, ये तकवा है। और ये बरकत का सबब कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ। फरमाया कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आए, वत्तकौ और तकवा इख्तियार कर लें, परहेजगारी की जिंदगी अपना लें, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज। फरमाया तो हम उन पर आसमानों से और जमीन से बरकतें नाजिल करेंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं आसमान से बरकत के नाजिल होने का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिशें नाजिल फरमाएगा। ऐसी बारिशें होंगी जो जमीन के खजाने खोल देंगी, हरियाली होगी और फल गल्ला जात ये चीजें इतनी ज्यादा होंगी कि रिज़्क का मामला बड़ा आसान हो जाएगा। आसमान वफिस समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून, अल्लाह फरमाता है आसमान पर तुम्हारा रिज़्क है और वो जो तुम वादा किए जाते हो। तो इसके एक तफसीर के मुताबिक एक तो रिज़्क का फैसला अल्लाह करता है और दूसरा इससे मुराद बारिश भी है, रहमत की बारिश, खैर की बारिश के जिसकी वजह से जमीन लहलहा उठे, हर तरफ खेती हो, हरियाली हो। तो वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज। और जमीन की बरकत से मुराद बारिश के बाद जमीन का जो खेत और फसलें गल्ला जात उगाना और इसी तरीके से जमीन के खजानों में से मादनियात भी हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल, गैस और सोना, जवाहरात, ये चीजें जो जमीन से निकलती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी खोल देगा। तो शर्त क्या है? तकवा। तकवा की जिंदगी इख्तियार करो, तकवा की वजह से जिंदगी में बरकत पैदा होती है, आसानियां पैदा होती हैं। और सलफ कहते हैं महताज तकी उन कत्त, के जो मुत्तकी है कभी वो मोहताज नहीं होता, परेशान नहीं होता। तकवा, अगर इंसान अपनी जिंदगी में तकवा परहेजगारी को पैदा कर ले तो फिर क्या हो? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए हर तंगी से मखरज रास्ता निकाल देगा और उसको वहां से रिज़्क देगा जहां से उसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। ये तकवा कवी सबब है बरकत के पैदा होने का। मुत्तकी की जिंदगी में अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह ताला उसके माल में, उसके रिज़्क में, उसकी सेहत में, एक एक चीज में अल्लाह ताला बरकत देता है। तो बरकत चाहते हो तो कुरान करीम ने यह चीज जिक्र की, तकवा को अपनाओ, परहेजगारी की जिंदगी को अपनाओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, गुनाह हो जाए तोबा करो, इस्तगफार करो और नेकी के रास्ते पर चलते जाओ। और सबसे बढ़कर अल्लाह के फराइज हैं, उसमें कोई भी कोताही ना हो, ये तकवा की जिंदगी है। इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी को बरकात से भर देगा। दूसरा सबब वो दुआ है, दुआ करना, अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करना। आज हम कसरत की दुआ करते हैं कि बहुत ज्यादा मिल जाए, हर चीज में कसरत, लेकिन ये दुआ नहीं करते कि या अल्लाह हमें बरकत दे। देखें बसाओकात अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को औलाद में एक बेटी देता है, वो इस कदर उसकी आंखों की ठंडक होती है कि उसकी जिंदगी इतनी मुतमैन होती है कि वो शख्स जिसके 10 बेटे हैं वो इतना मुतमैन नहीं होता, जिस कदर इस बेटी में अल्लाह ताला उसको बरकत देता है। तो बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दे दे तो फिर औलाद
एक हो और वो फरमान बरदार हो, वो आपके लिए बायस बरकत बन जाए, आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी। इसके बरक्स अगर बेटे ही बेटे हों लेकिन अगर वो नाफरमान हो और वो आपकी इताअत नहीं करते, आपकी रुसवाई का मूजिब है, तो फिर ये तो एक सजा है जो अल्लाह ताला देता है। याद रखें, जहां बरकत होगी वहां हर तरह का खैर होगा, और जहां बरकत नहीं होगी तो फिर हर तरह के मसाए, परेशानियां, तंगियां, नहुसत वहां डेरे डाल लेगी। चाहे कसरत हो किसी के पास, आप देखें कि बहुत ज्यादा माल है, सरमाया है, लेकिन उसकी जिंदगी में बरकत नहीं है, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, वो आराम की नींद नहीं सो सकता। ये क्या है? अल्लाह ने बरकत छीन ली है। अब कसरत तो मौजूद है लेकिन बरकत नहीं है, इसके नतीजे में ये चीज उसके लिए वबाल बन गई। तो हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बरकत दे। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी दुआओं पर गौर करें, बरकत की दुआएं आपको नजर आएंगी। अब जो दुआए कुनूत में हम दुआ पढ़ते हैं उसमें ये अल्फाज भी हैं, वबारिक ली फीमा आतई था, वबारिक ली फीमा आतई था, या अल्लाह तूने जो कुछ मुझे दिया है, जो तेरी नेमतें हैं, तू उनको मेरे लिए बाबरकत कर दे, उसमें मेरे लिए बरकत दे दे। ये दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो तरबियत की है, आप देखें बरकत की दुआएं, मसलन जिसकी शादी हो तो उसको जो दुआ है उसमें भी बरकत की दुआ है, बारक अल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अब इसमें भी बरकत है, अल्लाह तुझे बरकत दे, तुझ पर बरकत दे और तुम दोनों को खैर और भलाई पर इकट्ठा करेगा। कहां है ये बरकत की दुआ और कहां वो रस्मी जुमले हैं जो हम इस मौके पे अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मुबारकबाद का जो लफ्ज है ये भी देखें, ये भी बरकत से, गोके बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मुबारकबाद का क्या मतलब है। मुबारकबाद का मतलब भी यही है कि आप बरकत की दुआ दे रहे हैं, अगरचे वो अल्फाज कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन मुबारकबाद का लफ्ज वहां मौजूद होता है। तो ये दुआ है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि छोटे बच्चे आपके पास लाए जाते हैं, आप उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को बाबरकत बनाए। बच्चों के लिए बरकत की दुआ करना ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपके पास बच्चे आते थे, आप उनको बरकत की दुआएं देते थे। आज हमारे बच्चे भी हैं, हमें भी उनके लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। और सिर्फ उनकी जो बातें हैं वो देख के इंसान खुश ना हो बल्कि साथ में बरकत की दुआ भी दे। यहां एक और चीज की तरफ भी मैं इशारा करना चाहता हूं और वो ये है कि अल आइन हक्कुन, नजरे बद बरहक है। नजरे बद के ताल्लुक से हमारा तस्वुर क्या है लोगों का, वो कहते हैं कि जब कोई मामला होता है हम कहते हैं कि हमारे फलां दुश्मन ने, मुखालिफ ने नजरे बद लगाई होगी या फलां शख्स ने नजरे बद लगाई है। हालांकि नजरे बद खुद इंसान को अपनी भी लग सकती है। एक माँ की नजर बच्चे को लग सकती है, उसके बेटे को बाप की नजर वो लग सकती है। ये मामला आते हैं लेकिन हम क्या समझते हैं, कोई मामला हो भी गया तो हम कहते हैं कि फलां वहां मौजूद था उसने और वो हमारे बारे में अच्छा ज़हन नहीं रखता, हमारा मुखालिफ है तो उसकी नजरें बद लगी है। हालांकि भूल जाते हैं कि ये नजरें बद खुद हमारी भी लग सकती है। इसका इलाज क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुमको कोई चीज, कोई नेमत अच्छी लगे तो फिर क्या करो, खुद अपने ऊपर, अपनी औलाद के मुतालिक या किसी और मुसलमान भाई की कोई नेमत है आपको अच्छी लगती है, फरमाया कि उसके लिए बरकत की दुआ करो, उसके लिए बरकत की दुआ करो कि अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। और ये इलाज है नजरे बद का, इससे नजरे बद नहीं लगती। तो ये बरकत की दुआ ये बहुत जरूरी है, बरकत की दुआ देनी चाहिए। आदत बनाए अपने बच्चों को, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह फीक, बारक अल्लाह लक, इस तरह के कलिमात ये कहने चाहिए। और
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि जब कोई नया फल आता मौसम के एतबार से तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता। आप उसको लेते और बरकत की दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना वफी सिमारिना वफी मुद्दिना वफी साइना बरकतन मा बरकत। ए हमारे रब, हमारे मदीने में बरकत दे। मदीना बाबरकत शहर है, क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आपने उसके लिए दुआ की है कि हमारे मदीने में बरकत दे, और फरमाया कि हमारे मुद में, हमारे सा में जो नापने और वजन करने के आले हैं, या अल्लाह इनमें भी बरकत दे, इनमें भी बरकत दे। आज होता क्या है, हमारे पास भी वजन करने के आले हैं, मीजान है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके अंदर डंडी मार दें। जे जाइए कि हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनमें बरकत दे, खैर और बरकत दे हमारे मीजान में, हमारे मुद में, हमारे सा में, लेकिन हम डंडी मारते हैं उसमें। तो ये कितना बड़ा फर्क है। तो फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी किसी चीज में बरकत नहीं है। बात वही है कि हम कसरत के पीछे हैं। हर शख्स आता है ज्यादा कमाए, चाहे उसका वसीला, उसका जरिया कोई भी हो, लेकिन कसरत की तलब है कि ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे नाजायज तरीका उसको अपनाना पड़े, हलाल और हराम के पैमाने उठाने पड़ जाएं तो मंजूर है, लेकिन कसरत है। ये नहीं भूलते कि ये चीजें बरकत को खत्म कर देती हैं, ये चीज हमारे लिए बायस बरकत नहीं बनती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पर गौर करें, फरमाया कि वफी सिमारिना, ए अल्लाह हमारे फलों में बरकत अता फरमा, हमारे फलों में बरकत दे, ये दुआ कर दे। और उसके बाद वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे छोटा बच्चा होता उसको वो फल दे दे, वो उसको खाता। ये देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अभी और देखें, जैसे जो खाना है, जब कोई किसी को खाना खिलाए तो शरीयत क्या कहती है, तो उसके लिए बरकत की दुआ करो, उसके लिए बरकत की दुआ करो कि अल्लाहुम बारिक लहुम फीमा आतैतहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, ए अल्लाह जो तूने इनको रिज़्क दिया है उसमें बरकत दे, उसमें बरकत दे, और इनको माफ कर, इन पर रहम कर। ये भी बरकत की दुआ है, बरकत की दुआ है। और खाने में भी फरमाया अल्लाहुम बारिक लना, अल्लाह हमें इसमें बरकत दे। दूध पीने की दुआ समझाते हैं, अल्लाह मुबारक लना फीही वज़िदना मिन, उस भी क्या दुआ है, अल्फाज क्या है कि अल्लाह हमें इसमें बरकत दे, ये बरकत की दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का अदब बताया, खाने का अदब बयान करते हुए फरमाया कि अल बरकतु तंजिलु फी वसति ताम कुलू मिन हाफतई ही वला ताकुलू मिन वसती, फरमाया कि खाने का जो बीच है, दरमियान है, वहां बरकत नाजिल होती है, वहां बरकत नाजिल होती है, तो तुम क्या करो, फकुलू मिन हाफतई, बर्तन के दरमियान से ना खाओ बल्कि बर्तन के किनारे से खाओ, और दरमियान से ना खाओ क्योंकि दरमियान में बरकत उतरती है, बरकत उतरती है। और इसी तरीके से बरकत के असबाब में से यह चीज भी है। नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते, हमारा पेट नहीं भरता। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि लअल्लकुम ताकुलून मुतफर्रिकीन, शायद कि तुम अलग अलग खाते हो, जुदा जुदा खाते हो, साथ नहीं खाते। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अल्लाह के नबी हम ऐसे ही खाते हैं। तो आपने क्या फरमाया कि साथ मिलकर खाओ, युबारक लकुम, अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत दे देगा, अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत देगा। तो ये भी एक सबब है कि एक घराना है वो साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन आज के इस दौर में हर शख्स अलग बैठा है, अलग अलग कमरे में, कोई मोबाइल पे मसरूफ है, वो चाहता ही नहीं है कि थोड़ी देर के लिए भी उससे दूर हो, और खाना खाते हुए भी ये स्क्रीनें हमारे सामने होती हैं और उसके अंदर हम देख रहे होते हैं, कहीं
कोई म्यूजिक चल रहा है, कहीं कोई ड्रामा फिल्म चल रही है, तो फिर बरकत कहां पैदा होगी? वो उमूर हैं जिनसे बरकत खत्म होती है और ऐसे घर शैतानी घर कहलाते हैं। शैतान वहां अपना बसेरा कर लेता है। जैसा आपने सुना कि अल्लाह के जिक्र से जो चीज दूर है शैतान वहां आ जाता है। इसी तरीके से बरकत के असबाब में से एक अहम सबब कुरान करीम है। इसको अल्लाह ने क्या फरमाया? किताबे मुबारक फरमाया, बा बरकत किताब, किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारक। फरमाया कि ए पैगंबर, ये किताब जो हमने आप पर नाजिल की है ये बा बरकत किताब है, मुबारक है, बा बरकत है। किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारक लियदब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसकी आयात पर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, इसके माना और मफहूम पर ठहरें, सोच विचार करें। ये किताब कुरान करीम का मकसद है, इसको पढ़ा जाए, तदब्बुर किया जाए। और वली यतज़क्कर उलुल अलबाब, फरमाया कि जो अक्लमंद हैं, अक्ल वाले हैं, इससे नसीहत हासिल करें। ये किताब मुबारक है। देखिए, जिसने इस कुरान से ताल्लुक रखा वो दुनिया में भी बाबरकत है, दुनिया में भी मुबारक है। आप देखें क्या फरमाया कि इमाम का अहल कौन है? अकरहुम लिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब का जो बड़ा कारी है, ज्यादा उसको पढ़ने वाला है, उसका हाफिज है, वही बात है। फहफज फकुल्लु हाफिजिन इमामुन, कहा गया हिफ्ज करो, कुरान याद करो, इसलिए कि हर हाफिज इमाम होता है। और वो छोटा बच्चा जो अमर बिन अबी सलमा, उसके बारे में ये शायर ने कहा है कि जो अपनी कौम में सबसे कम उम्र था, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको जो है इमाम बनाया था, क्योंकि वो अकरा था, अकरा था। ये दुनिया की बरकत है कि अल्लाह ताला इज्जत देता है इस किताब के जरिए। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उकबा बिन नाफे से पूछा था, उनकी मुलाकात हुई थी जब वो जा रहे थे बैतुल्लाह की तरफ, तो पूछा कि अहले मक्का पर किसको आपने गवर्नर मुकर्रर किया है? तो कहा इब्ने अफजा को। पूछा इब्ने अफजा कौन है? तो उन्होंने कहा हमारे गुलामों में से एक आजाद करदा गुलाम है, कोई हसब व नसब नहीं है और कोई माल व मता नहीं है, दुनियावी एतबार से कोई जाह नहीं है, कोई हशमत नहीं है, लेकिन जो उम्मुल कुरा, तमाम बस्तियों की मां मक्का, उसका गवर्नर उसको बनाया गया। कहा आपने क्या किया? आपने मक्का का गवर्नर एक गुलाम को कर दिया। तो क्या जवाब आया? इन्नहु लकारिहु लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। इनकी दो खूबियां हैं, एक तो किताबुल्लाह का हाफिज है, अल्लाह की किताब का, कुरान का, और दूसरा जो इल्मुल फराइज है, विरासत का जो इल्म है, उसका वो इमाम है। और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जिक्र किया, इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत सारे अक़वाम को इज्जत, सरबुलंदी, रिफ़अत के साथ हमकिनार कर देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस किताब की वजह से जिल्लत और रुसवाई की अथाह गहराइयों के अंदर गिर जाते हैं। ये इज्जत क्यों मिली? किताब अल्लाह की वजह से, किताब बाबरकत है। और देखें आगे, वफात के बाद लहद में भी वो मुकद्दम है, जो उहद में जो शहदा थे, उहद के शहदा, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको दफना रहे थे एक एक कब्र में, एक से ज़ायद, लेकिन आप पूछ रहे थे कि इनमें से अय्युहुम अक्सर अख़ज़न लिल कुरान, इनमें से कौन कुरान को ज्यादा याद करने वाला है? अल्लाह के नबी का को बताया जाता अल्लाह के नबी ये कुरान को ज्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह के नबी सासुन लहद में उसको मुकद्दम कर रहे थे। और फिर आगे क्या है? जन्नत, उसकी बुलंदियां, उसके दराजात, वो भी किसके लिए हैं? इस किताब की बरकत वहां भी नजर आएगा, वहां भी इस किताब की बरकत नजर आएगी। जन्नत में कहा जाएगा युकालु लिसाहिबिल कुरान इकरा वर्तक वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फि दुनिया फइन्न मंज़िलतक इंदा आखिर आयतिन तकरहुहा। फरमाया कि ये जन्नत है, आप
कुरान की तिलावत करते जाएं, दरजात में बुलंद होते जाएं। कोई तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे पढ़ जैसे दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था। तेरी मंजिल तेरा मकाम वो आखिरी आयत होगी जो तू पढ़ेगा। ये मकाम है किताबुल्लाह का, ये बरकत है। और किताब अल्लाह की किताब बाबरकत किताब है। इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने बच्चों को इसका हाफिज बनाएं और इसको उनकी जिंदगियों में लाएं। आपके घर में इसकी तिलावत हो, सब घर वाले इस किताब को पढ़ें, तो फिर क्या होगा, घर भी बरकतों का गहवारा बन जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इकरऊ सूरत अल बकरा, लोगो सूरह बकरा की तिलावत किया करो। क्यों? फरमाया कि फैन अखदहा बरका, सूरतुल बकरा को पढ़ना ये बरकत का सबब है। इसकी वजह से बरकतें नाजिल होती हैं। घर में पढ़ोगे घर में बरकत, दुकान में पढ़ोगे वहां बरकत, जहां बरकत लाना चाहते हो सूरह बकरा को पढ़ो। फरमाया कि इससे बरकत आती है। और वह तर कहा हसरत, और इसको छोड़ना हसरत और नदामत का बायस है। इसको छोड़ना हसरत और नदामत को का बायस है। और फरमाया कि वला तस्ततीहल बतला, और बतला से मुराद जादूगर है। कहा जादूगर इसका तोड़ कर ही नहीं सकता। आज शिकायत होती है जादू का शुबा है, जादू किया गया है, और है भी हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं जादूगर। सरेआम इस्लामी माशरे के में ये चीज हमें नजर आती है। और घरों में मसाइल, अगर इसका तोड़ करना चाहते हो सूरतुल बकरा को अपने घर में पढ़ो, उसकी तिलावत करो, उसके माना और मफहूम को समझो। फरमाया कि जादूगर के पास इसका कोई तोड़ नहीं। ये सूरतुल बकरा, ये कुरान, इसकी बरकत है। इसको अपनी जिंदगियों में लाओ, आपकी जिंदगी बाबरकत बन जाएगी। और आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तखारे की तालीम दी है। अल्लाह के नबी इस्तखारा ऐसे सिखाते थे, सहाबा कहते हैं जिस तरह कुरान की सूरत सिखाया करते हैं, इस कदर ताकीद करते हैं। इस्तखारा क्या है? इस्तखारा का माना अल्लाह से खैर तलब करना, अल्लाह से भलाई और बरकत का सवाल करना। और वो अजीम दुआ है। फरमाया कि जब इंसान कोई फैसला करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो इस्तखारा करे। इस्तखारे में क्या होता है? इस्तखारे में इंसान अल्लाह से सवाल करता है कि या अल्लाह तू जानता है, मैं नहीं जानता, और तू ही मेरी रहनुमाई फरमा, मेरा अपना कोई जहन नहीं है। या अल्लाह अंजाम तुझे पता है, मुझे नहीं पता, तू मेरी रहनुमाई फरमा। ये अजीम दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के अलावा कोई भी नफल नमाज हो, जरूरी नहीं है कि इस्तखारे की नियत से, इस्तखारे की नियत से अगर दो रकात पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा फर्ज से हटकर कोई भी सुन्नत आप पढ़ते हैं और उसके बाद ये दुआ आप पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका वअसअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम। कितनी अजीम दुआ है कि अल्लाह मैं तुझसे खैर तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, तेरे इल्म के साथ। तू अलीम है, तू जानता है हर चीज पर, तेरा इल्म मुहित है। तू जाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, हर चीज को। वस्तकदिरुका, और या अल्लाह तू कदीर है, कुदरत रखने वाला है। या अल्लाह मैं तुझसे तेरी कुदरत के जरिए सवाल करता हूं। वअसअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, और तुझसे तेरे अजीम फजल का सवाल करता हूँ। तेरा फजल बड़ा अजीम है, उसके वास्ते से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर, या अल्लाह तू ही कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, कमजोर हूँ, मुझे नहीं पता। हर तरह की कुदरत तेरे हाथ में। इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, और हर तरह का गैब तुझे ही है। अल्लामुल गुयूब है तू, हर तरह के गैब को तू ही जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालम अन्न हादल अम्र, अल्लाह अगर तू जानता है मेरा ये मामला, ये फैसला और ये मेरा मसला जिसमें मैं उलझाव में हूं, परेशानी में हूं, अगर
تو اس کے بارے میں جانتا ہے ان ھذا الامر خیر لی, یہ بہتر ہے میرے لیے, فی دینی و معاشی, میرے دین کے لیے, میری معیشت کے لیے, و عاقبت امری, اور میرے انجام کے اعتبار سے, فقدرہ لی, یا اللہ پھر مجھے طاقت دے, و یسرہ لی, اور میرے لیے آسانی اس میں فرما, میرے لیے اس میں آسانی فرما, ثم بارک لی فی, پھر یا اللہ اس معاملے میں مجھے برکت دے دے. یہاں دیکھیں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا, برکت کس قدر ضروری ہے. اس معاملے میں بھی برکت کا سوال کیا جا رہا ہے, استخارہ یہی ہے کہ برکت حاصل ہو جائے, خیر حاصل ہو جائے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي, اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے, فی دینی و معاشی و عاقبت امری, میرے دین میں, میری معیشت میں, اور میرے انجام کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں ہے, فَصْرِفُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْ, یا اللہ مجھے اس سے دور کر, اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے, وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, جہاں بھی خیر تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے یا اللہ وہ خیر مجھے عطا فرما, ثم ارزنی بھی, پھر یا اللہ تو مجھے راضی کر دے. کتنی عظیم دعائیں, کس قدر یہ برکت. تو گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے کثرت مانگتے ہیں, یقیناً اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے, اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی برکت کا سوال کریں. برکت اگر حاصل ہو گئی تو جو معمولی چیز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو زیادہ چیز ہے تو وہ خیر اور بھلائی کا سبب بنتی ہے. برکت کی ایک ظاہری علامت علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ کوئی نعمت اللہ نے آپ پر کی ہے اور اگر آپ اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں اس نعمت کو, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کے لیے برکت ہے. اللہ نے اس نعمت کو آپ کے لیے باعث برکت بنایا ہے, یقیناً یہ دنیا میں بھی بابرکت ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکت ہوگی. اگر نعمت آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے پھر وہ نعمت نہیں ہے, رحمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے, وہ زحمت ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کی اب یہ نعمت ہے, اور رب العالمین کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ خود انسان کو مجرم بنا دیتا ہے, جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. وہی نعمت جو ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتی, جو ہمارے لیے خیر کا باعث بنتی, وہی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے, پریشانی کا موجب بن جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس میں برکت نہیں دی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو برکت سے بھر دے, اللہ تعالی ہمیں علم میں, عمل میں برکت دے, اللہ تعالی ہمیں صحت میں برکت دے, اللہ تعالی ہماری اولادوں میں, ہماری بیویوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہر نعمت جو ہمارے لیے مفید ہے اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے. ھذا وباللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.